आज आपको होगी गांव की सहल। ये देखिए ये कितनी तरह मार रहे हैं। तो जनाब कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? तो गाइस ये मंडा हमारा भैंसों के लिए ख़त्म हुआ हुआ था, तो ये मैं खुद ही उठा कर लेकर आ रहा हूँ काफ़ी दूर से। तो मैंने सोचा चले छोटी छोटी बातें भी शेयर करने से टाइम पास हो जाता है। ये जनाब पूरे मन के 40 किलो का जनाब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चले ये जनाब आगे इधर बिस्मिल्लाह। तो गाइस ये बहुत भारी था थोड़ा सा दूर से, तो यकीन माने मेरा तो बाजू नहीं सीधा हो रहा। चले गाइस फिर चलो जी, गाइस जाने का टाइम हो गया बबली का, एलेक्स का। इधर देखिए कैसे जोर लगा। चलो जी चल 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 चल। तो ये जनाब पीछे 112 वाले आए हुए हैं, रेस्क्यू वाले। इधर पता नहीं कोई मसला बना हुआ है, किसी की डेथ हुई है, तो उसको कवर करने के लिए आए हुए हैं 112 वाले। तो ये पेपर जा रहे हैं अपने, आपको अब मैं आपको दिखाऊँगा वैल्यू वगैरह अपना गांव जो है वो दिखाऊंगा। बहुत से लोग पीछे कह रहे थे भाई हमें गांव दिखाओ गांव, तो ये मैं आ चुका हूँ अपने गांव। तो ये जनाब गांव है हमारा, ये देखें ये दरख्त वगैरह लगाए हुए हैं। ये जनाब आप देखिएगा, अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। ये देखिए ये कैसे कम धक्का जोर लगा रही है। चलो सॉरी, बार बार कैमरा घुमाना पड़ रहा है इस वजह से, क्योंकि इसे जब कोई भी इसे डोब नज़र आए ना तो इसकी होता है कि मैं उसे काटूँ। अपना आप बताती है ये कि मैं भी हूँ। तो गाइस ये देखिए पीछे का व्यू, तो गाइस गांव की तो क्या ही बात है, गांव की तो क्या ही बात है। मैंने बनाना नहीं था गांव की तरफ का व्यू, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार अब मैं अपना गांव दिखाओ, गांव की सैल कराओ। ये जनाब खेतों को पानी लगा हुआ है, ये देखो खेतों को पानी लगा हुआ है। और गाइस आप बताएं कैसे हैं सब लोग, ठीक ठाक हैं? तो गाइस वो जैसे मैं तो बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप भी मुझसे शेयर किया करें। मैंने इसे इधर बांध दिया है इधर, मुझे पता था इसने मुझे व्लॉग बनाने नहीं देना। और पीछे वो देखें कैसे भौंक रही है, अगर मैं इसे छोड़ देता तो इसने उनके पीछे भाग जाना था। तो सो गाइस आप बताएं आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? और ये जनाब हमारे पट्टे हैं, ये देखें अभी माशाल्लाह ये दूसरा लगा हुआ है, फिर तीसरा। स्टाले के जो होते हैं वो सात होती हैं, सात कटाई होती हैं स्टालों की। तो ये पानी मारा लगा हुआ है ये पंदा, ये जनाब देखें पानी लगाया हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि हमारी इतनी पैनी है, बस दो भैंसों के लिए थोड़ी सी जगह है, ज़मीन है, बस ठेकर पर ली हुई है, और दो तीन किले अपने हैं, अपने घर के लिए जो दाना दूना होता है उसके लिए अपने हैं, कि मैंने एयरपोर्ट लगाने हैं। क्योंकि इससे ये होता है कि जो क्वालिटी होती है साउंड क्वालिटी वो बेस्ट आती है, और जो आवाज़ होती है वो भी बेहतरीन आती है। साउंड क्वालिटी के लिए अगर आप व्लॉग बनाना चाहते हैं, ये जनाब मैंने लगा ली है बाकी इसके अंदर। तो मैं भूल गया था, आज भी अक्सर वीडियो में मैं भूल जाता हूँ, कल मैंने बताया था कि ज़रूर लगाऊंगा तो मैं भूल गया था गाइस, तो सॉरी। इससे साउंड क्वालिटी जो होती है वो बेस्ट आती है। तो गाइस ये देखें, ओके
तो गाइस ये देखे पिछले का व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है, ये देखे गाइस। और बच्चे भी खेल रहे हैं, कभी हम भी छोटे थे इसी तरह ही खेलना कूदा करते थे। ये देखे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो गाइस ये बताइएगा कि आपको ये पीछे वाला व्यू जो है वो कैसे लगा, सॉरी कैसा लगा। तो ये देखे ये भी हमारी अपनी है फसल, दो लगाए हुए थे किले स्टाले के और बाकी मूंजी के। ये देखे कितने मज़े से ये बैठी हुई है। और वो जो है ना वो जो दो वो इंतज़ार करें ये कब खुले और कब हम इससे लड़ाई करें। जनाब ये सरकारी स्कूल बना हुआ है मेरे गांव में छोटा सा बच्चों के लिए। और ये कब्रिस्तान है, बहुत ही बड़ा है कब्रिस्तान हमारा इधर का, बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान है। गाइस इतनी मेहनत से मैं आपके लिए व्लॉग तैयार करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा।